लखीमपुर जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ पुलिस ने अरेस्ट कर उन्हें इको गार्डन भेज दिया है, जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त कर उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन योगी सरकार गुंडागर्दी के बल पर उनको घर में ही रोककर जबरदस्ती अरेस्ट करवा रही है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। हमारी मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को शांति पूर्वक धरने पर बैठने दिया जाए। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष को घर में बंद करके रखेंगे, तब तक हम यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।